बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दीज आर द आउटलाइंस ऑफ दिस लेसन। इन दिस लेसन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शो दैट द कन्वर्स ऑफ लग्रांजिस थ्योरम इज फॉल्स इन जनरल। इन जनरल लग्रांजिस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं होता। एक एग्जांपल की मदद से हम ये बात शो करेंगे। फिर इसके बाद हम लग्रांजिस थ्योरम की कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को प्रूफ करेंगे और एट द एंड हम दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्स ऑफ लग्रांजिस थ्योरम। तो हम शो करेंगे कि इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होता। इन जनरल हर ग्रुप के लिए इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, लेकिन इसको शो करने से पहले आपको बताता चलूं कि कन्वर्स का यहाँ पे मतलब क्या है। व्हाट इज मीन बाय कन्वर्स। तो अगर हमारे पास G कोई फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर N का, और H अगर उसका कोई सब ग्रुप हो कोई भी, और H का जो भी ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होगा, यानी सब ग्रुप का ऑर्डर हमें ग्रुप के ऑर्डर का एक डिवाइजर देगा। मीन सब ग्रुप से हम डिवाइजर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें ग्रुप के ऑर्डर का कोई डिवाइजर गिवन हो तो दिस डज नॉट इम्प्लाइज दैट जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3D। मिसाल के तौर पे ये जो ग्रुप है अल्टरनेटिंग ग्रुप A4, इसका ऑर्डर 12 होता है। 6 इसके ऑर्डर को डिवाइड करता है, लेकिन 6 ऑर्डर का इसमें कोई भी सब ग्रुप नहीं है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है, इससे ये मैसेज हमें मिलता है कि लग्रांजिस थ्योरम का कन्वर्स हर ग्रुप के लिए ट्रू नहीं होता। मिसाल के तौर पे जो अगर आपके पास फर्ज करें कोई ग्रुप है, अगर आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है फर्ज करें, इसका ऑर्डर अगर 12 है, तो लग्रांजिस थ्योरम सिर्फ हमें बताता है कि इसके जो सब ग्रुप्स के लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स होंगे, श्योरिटी ही नहीं देता। यानी वो हमें बताता है कि इसके इसके 12 के जो डिवाइजर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो लग्रांजिस थ्योरम के हमें ये बताता है कि इसके जो भी सब ग्रुप होंगे उनका ऑर्डर इन में से कोई ना कोई हो सकता है, मे बी, ठीक है। वो हमें कैंडिडेट्स देता है लेकिन कंफर्मेशन नहीं करता कि लाजमी होंगे। मीन्स जो भी सब ग्रुप इसका होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो इन में से कोई ना कोई होगा, इनसे बाहर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें डिवाइजर दे दिए जाएं, अगर फर्ज करें 12 के डिवाइजर ले लिए जाएं, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, तो जरूरी नहीं होता कि हर डिवाइजर के लिए आपको कोई सब ग्रुप भी मिले। मसलन इस ग्रुप में 6 जो है इसके ऑर्डर का डिवाइजर है, लेकिन 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इन दिस ग्रुप। तो फिर आपको बताता चलूं कि लग्रांजिस थ्योरम क्या बताता है कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता। मीन्स अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर हो तो जरूरी नहीं है कि उस ऑर्डर का हमें कोई सब ग्रुप भी मिले, ठीक है जी। और यही बात हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में हम शो भी करेंगे। ये क्या एग्जाम्पल है, दी ग्रुप A4 ऑफ ऑर्डर 12 हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। इससे हमें ये मतलब मैसेज मिलता है कि हम डिवाइजर से वापस सब ग्रुप की तरफ नहीं आ सकते, ठीक है। हर डिवाइजर के कोरिस्पोंडिंग जरूरी नहीं होता कि कोई सब ग्रुप आपको मिले। तो इसका मतलब है, इस एग्जांपल से ये प्रूफ हो गया कि लग्रांजिस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं होता। अब हम इस एग्जांपल को शो करते हैं कि क्यों इसमें वाई ए फोर हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। तो इसमें हम शो करेंगे इस स्लाइड में कि दी ग्रुप A4 ये है ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन। ये S4 का सब ग्रुप होता है। S4 में 1, 2, 3, 4 की तमाम परमुटेशन होती हैं, 24, और A4 उसका सब ग्रुप होता है। इवन परमुटेशन का ये सेट होता है। और हम ये शो करेंगे इस स्लाइड में कंट्रडिक्शन मेथड से कि इसका कोई भी सब ग्रुप नहीं है जिसका ऑर्डर 6 हो, हालांकि 6 12 का डिवाइजर है, ठीक है। तो इससे अब हम कंटिन्यू करेंगे। इसको शुरू करने से पहले
पहले अब ये बात नोट करें कि इस ग्रुप के अंदर थ्री ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, और आप जानते हैं कि इसमें इस ग्रुप में क्योंकि हमारे पास सिंबल्स फोर ही हैं, फोर से ज़्यादा नहीं है, तो हमारे पास थ्री ऑर्डर का जो भी एलिमेंट होगा उसकी फॉर्म ये होगी, वो इस तरह का कोई साइकिल होगा। और इस तरह थ्री ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर थ्री इन ए फोर इक्वल्स टू ए वन के लिए फोर चॉइसेस, ए टू के लिए थ्री एंड ए थ्री के लिए भी टू। और ये क्योंकि साइकिल होता है, इसमें इसको थ्री से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसको किसी भी ऑर्डर से चाहे वन से भी शुरू किया जा सकता है, टू से भी, थ्री से भी, तो इसके लिए डिफरेंट साइकल्स, जो सेम साइकिल है उसकी डिफरेंट शेप्स भी हो सकती हैं, इसलिए इसको हम थ्री से डिवाइड कर देंगे। तो ये टोटल हमारे पास एट एलिमेंट आएंगे ऑर्डर थ्री के। तो सबसे पहले प्रूफ शुरू करने से पहले ये बात जहन में बिठा लें कि इस ग्रुप में ऑर्डर थ्री के कितने एलिमेंट्स हैं, एट एलिमेंट्स हैं। अब हम कंट्रेरी ये बात सपोज कर लेते हैं, कंट्रेरी वी सपोज दैट कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर सिक्स, यानी हमने प्रूफ तो करना है कि ए फोर में सिक्स ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं है, लेकिन हम कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि इसमें एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, तो एंड पे कंट्रेडिक्शन आ जाएगी। अब हमने सपोज कर लिया कि H कोई सब ग्रुप है ऑर्डर सिक्स का, अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इस यहाँ तक ये बात प्रूफ करेंगे कि थ्री ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एच से बाहर नहीं हो सकते। इसके बाद ये जो तीन चार पांच लाइनें हैं इनमें हम ये प्रूफ करेंगे कि थ्री ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसी सब ग्रुप में आ जाएंगे, और यही कंट्रडिक्शन आ जाए, क्योंकि एच में तो टोटल सिक्स एलिमेंट्स हैं और ऑर्डर थ्री के एट एलिमेंट्स हैं, ये सारे इसमें तो नहीं आ सकते, लेकिन हम इन तीन चार पांच लाइनों में ये शो कर देंगे कि अगर एच का ऑर्डर सिक्स है तो फिर सारे के सारे ऑर्डर थ्री के एलिमेंट इसी में चले जाएंगे। तो ये बात हम कैसे शो करेंगे, हम कहेंगे लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर थ्री इन ए फोर। नाउ इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू एच, अगर ए एच में नहीं होगा तो फिर हम ए फोर को डिकम्पोज करेंगे एच यूनियन ए एच में। इसकी क्या रीजन है, क्योंकि देखें सब ग्रुप का ऑर्डर तो है सिक्स, इसका मतलब है अगर सब ग्रुप का ऑर्डर सिक्स है, ग्रुप का ऑर्डर ट्वेल्व है, तो इसका इंडेक्स कितना होगा, इस सब ग्रुप का इंडेक्स कितना होगा, टू होगा ना। इट मीन्स दैट इंडेक्स ऑफ दिस सब ग्रुप इज टू, यानी इसके कोसेट्स की तादाद कितनी होगी, दो होगी, इसके दो कोसेट्स होंगे, और हमें पता है जो कोसेट्स होते हैं वो ग्रुप की पार्टीशन करते हैं, तो अगर इसके दो ही कोसेट हैं तो इस तरह एक कोसेट तो एच खुद होगा और एक एच के अलावा होगा, वो वाला कोसेट फिर ए एच होगा अगर ए एच में नहीं है क्योंकि अगर ए एच में होता तो ए एच इक्वल्स टू एच आ जाता है, ये क्योंकि एच से बाहर है तो ए का कोसेट एच के कोसेट से डिफरेंट होगा, एच से डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन बताइए कि इसको इस तरह कैसे लिखा गया, इसको इस तरह लिखने की ये रीजन है कि हमारे पास टोटल कोसेट्स कितने होंगे, दो, क्योंकि इंडेक्स टू है, एक कोसेट तो एच खुद होगा और अगर ए एच में नहीं है तो जो ए का कोसेट होगा वो एच से डिफरेंट होगा, लिहाजा यही दो कोसेट होंगे ए फोर के। तो ए फोर को हम इस तरह दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, डिसजॉइंट यूनियन में लिख लेंगे। अब हम बात करेंगे ए स्क्वायर की, ए स्क्वायर भी कोई ना कोई एलिमेंट होगा ग्रुप में, ठीक है, ए अगर ग्रुप का एलिमेंट है तो ए स्क्वायर भी तो ग्रुप में होगा ना, और ग्रुप को इस तरह आप डिकम्पोज कर सकते हैं। इससे ये मैसेज मिला कि ए स्क्वायर या तो एच में होगा या फिर ए स्क्वायर ए एच में होगा, लेकिन अगर फर्ज करें ए स्क्वायर एच में है तो जब इसका स्क्वायर लेंगे वो भी एच में होना चाहिए, लेकिन इसका स्क्वायर तो ए के बराबर आ जाएगा क्योंकि ए का ऑर्डर थ्री है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम कहें कि क्योंकि ए एच में नहीं है ना, और यहाँ पे हमें मिल रहा है इज बिलोंग्स टू एच, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर ए स्क्वायर ए एच में होता तो फिर ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए इंटू स्मॉल एच फॉर सम एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच,
दिस इम्प्लाइज दैट इस यहाँ पे कैंसलेशन लॉ यूज करेंगे, ए से कैंसिल हो जाएगा तो ए इक्वल्स टू एच आ जाएगा, ए दोबारा एच में चला जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ए एच में नहीं होता, ए हमने शुरू में लिया हुआ, ए डज नॉट बिलोंग्स टू एच। तो हमें पता ये चला कि अगर ए एच में ना हो, ठीक है, तो फिर ए स्क्वायर जो है उसके लिए मसला खराब हो जाता है मसलन। तो फिर ए स्क्वायर का हमें पता चला कि वो इन दोनों में से किसी एक में होगा, लेकिन अगर वो इसमें हो तब भी कंट्रडिक्शन आ जाती है, अगर ए स्क्वायर इसमें हो तब भी कंट्रडिक्शन आ जाती है, इट मीन्स कि ए स्क्वायर तो फिर कहीं भी नहीं होगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, इट्स मीन्स कि ये हमारी सपोजिशन जो है ये इफ वाली बात ट्रू नहीं है। तो इससे ये नतीजा निकला कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 3 है तो वो फिर एच के अंदर होगा, क्योंकि अगर वो एलिमेंट एच में ना हो तो ए स्क्वायर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती, ए स्क्वायर ना एच में जाएगा ना ए एच में जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। लिहाजा ये जो हमारी सपोजिशन है ना कि इफ ए डज नॉट, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमें नतीजा ये निकला, वी कंक्लूड दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 बिलोंग्स टू एच, ऑर्डर 3 का हर एलिमेंट फिर एच के अंदर होगा, विच इज अगेन कंट्रडिक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, ऑर्डर 3 के टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे एच में तो नहीं जा सकते। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि हमारे पास ये जो हमने सपोजिशन की हुई है ना सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 वाली, दिस गिव्स अस अ कंट्रडिक्शन, ठीक है। सो इससे प्रूफ हो जाता है कि ऑर्डर 6 का कोई भी सब ग्रुप इसमें नहीं होता, और ये प्रूफ करने से हमें ये मैसेज मिलता है कि लग्रांजी थ्योरम का कन्वर्स भी इन जनरल ट्रू नहीं होता, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिमार्क है कि कुछ खास केसेस के अंदर लग्रांजी थ्योरम का कन्वर्स ट्रू भी हो जाता है, हमेशा नहीं होता, इन जनरल ट्रू नहीं है, हमने एग्जाम्पल देख लिया, लेकिन कुछ खास केसेस में लग्रांजी थ्योरम का कन्वर्स ट्रू भी होता है। मसलन अगर जी साइक्लिक ग्रुप हो, साइक्लिक ग्रुप में आपको पता है ना हर डिवाइजर के करस्पॉन्डिंग एक सब ग्रुप मिलता है, बल्कि एक ही मिलता है, एक यूनिक सब ग्रुप मिलता है, तो साइक्लिक ग्रुप्स में भी इसका कन्वर्स ट्रू होता है। और अगर आप फर्दर ग्रुप थ्योरी को स्टडी करें एडवांस लेवल पे थोड़ा सा, तो काशिश थ्योरम से आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स में भी इसका कन्वर्स ट्रू होता है। अगर आपके पास कोई अबिलियन ग्रुप हो फाइनाइट, तो उसमें भी हर डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई सब ग्रुप मिल जाता है, ठीक है। लेकिन फाइनाइट अबिलियन ग्रुप में सब ग्रुप तो लाजमी मिलता है, लेकिन उसकी तादाद यूनिक नहीं होती, एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन साइक्लिक ग्रुप में एग्जैक्टली एक ही होती है। इसी तरह अगर डिवाइजर प्राइम हो फिर भी इसका कन्वर्स ट्रू होता है, यानी कि अगर कोई प्राइम नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे तो फिर इस ऑर्डर का सब ग्रुप लाजमी एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर पी होगा। ये हमें साइलोज थ्योरम से पता चलता है, ठीक है, ये काशिज थ्योरम से पता चलता है और ये साइलोज थ्योरम से। तो ये कुछ खास केसेस के अंदर लग्रांजी थ्योरम का कन्वर्स ट्रू भी हो जाता है, लेकिन इन जनरल ट्रू नहीं होता, वो हमने एग्जाम्पल देख लिया। अब हम लग्रांजी थ्योरम की कुछ ईजी कॉन्सिक्वेंसिस को प्रूफ करने जा रहे हैं, दे आर वेरी ईजी। इसमें सबसे पहली क्रॉलरी है लग्रांजी थ्योरम की कि द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। कोई भी अगर फाइनाइट ग्रुप लें तो उसमें एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इसको हम आसानी से प्रूफ कर लेंगे क्योंकि जी अगर कोई फाइनाइट ग्रुप लें, फर्ज करें उसका ऑर्डर एन है और ए उसका कोई भी एलिमेंट लें, अब हमें पता है कि ए से जो भी साइक्लिक ग्रुप जनरेट करेंगे उसका ऑर्डर ए के ऑर्डर के बराबर होगा, ठीक है। ये बात हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक सब ग्रुप इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। अब ये तो सब ग्रुप है ना, तो लग्रांजी थ्योरम ये बताता है कि ये जो सब ग्रुप का ऑर्डर है ये ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब ग्रुप है और इससे, लेकिन इसका ऑर्डर तो ए के ऑर्डर के बराबर है, देयरफॉर एक ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन एंड ए बिलोंग्स टू जी, सिंस द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए, देयरफॉर बाय लग्रांजी थ्योरम ऑर्डर ऑफ ए मस्ट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ठीक हो गया,
क्योंकि एक ऑर्डर एक सब ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाता है जो ए से जनरेट होता है, और लग्रांजिस थ्योरम से ये वाला ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, अगर ये वाला नंबर इसको डिवाइड करे तो ये इसके बराबर है, ये भी डिवाइड करेगा। तो इससे ये प्रूफ हो गया किसी भी फाइनाइट ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्रॉलर ये है कि अगर किसी भी फाइनाइट ग्रुप के अंदर आप कोई भी एलिमेंट ले लें, अगर उसकी उसका उसकी पावर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर लें तो लाजमी आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, वैसे तो हमें पता है ना कि लीस्ट पावर जिस पे आइडेंटिटी आए वो ग्रुप का ऑर्डर होता है, उस पे तो आइडेंटिटी आता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया अगर कोई भी ग्रुप ले लें, फर्ज करें कोई ग्रुप है अगर उसका ऑर्डर 100 है तो आप उसमें जो मर्जी एलिमेंट ले लें उसकी पावर 100 पे लाजमी आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, और ये हर एलिमेंट के लिए होगा, ग्रुप के हर एलिमेंट की पावर 100 लेने से आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। फर्ज करें जी का ऑर्डर हमारे पास एन है और उसका कोई एलिमेंट ले लेते हैं आर्बिट्रेरी, उसका ऑर्डर अगर एम है। अब अभी हमने प्रूफ किया कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, इसका मतलब है एम एन को डिवाइड करेगा, तो एन को फिर हम लिख सकते हैं एम इंटू आर फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर आर। अब ए की पावर जब एन लेंगे इसको एम आर लिख लें, एम को अंदर रहने दें आर ऊपर चला जाएगा, तो ए पावर एम आइडेंटिटी आ जाएगा क्योंकि एक ऑर्डर एम है, तो ये बात आसानी से प्रूफ हो जाती है हर एलिमेंट के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉलरी के एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह का कोई भी नंबर हो, तो वो ग्रुप लाजमी साइक्लिक होगा। ठीक है, Every group of prime order is cyclic. अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम हो जाए तो वो जरूर साइक्लिक होगा। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी कि अगर ग्रुप साइक्लिक हो तो जरूरी नहीं है कि उसका ऑर्डर प्राइम नंबर हो, लेकिन अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है तो वो ग्रुप लाजमी साइक्लिक होगा। इसको भी हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। किस तरह, हम कहते हैं लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी वेयर पी इज प्राइम। हमें ये प्रूफ करना है कि जी का कोई ना कोई जनरेटर एग्जिस्ट करेगा, यानी जी साइक्लिक ग्रुप है। तो अगर हम कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ले लें, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी विच इज डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिटी, तो एक्स के साथ हम सब ग्रुप जनरेट कर लेंगे, एक्स के साथ जो भी ग्रुप जनरेट करेंगे वो इसका सब ग्रुप होगा। अब बाय लग्रांजिस थ्योरम ये वाला जो सब ग्रुप है इसका ऑर्डर जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा जो कि पी के बराबर है, इसका मतलब है ये नंबर या वन होगा या पी होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के डिवाइजर दो ही पॉसिबल हैं, या वन या वो खुद। अब क्योंकि एक्स आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि अगर एक्स आइडेंटिटी एलिमेंट होता तो फिर इसके इसका ऑर्डर वन तब आना था अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यानी एक्स के साथ अगर हम ग्रुप जनरेट करें तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा, ऐसा तभी होगा अगर एक्स आइडेंटिटी होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो एक्स क्योंकि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है इसलिए इससे जनरेट होने वाले ग्रुप में एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे। ठीक है, एक्स का ऑर्डर फिर वन नहीं आ सकता। आप इस तरह भी देख सकते हैं कि एक्स का ऑर्डर जो है वो सब ग्रुप के ऑर्डर के बराबर ही होगा ना इसके, तो एक्स क्योंकि नॉन आइडेंटिटी है ना, तो इसलिए x का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता। अगर ये 1 नहीं हो सकता तो ये भी 1 नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ये वाली केस पॉसिबल नहीं होगी, तो x का ऑर्डर फिर ग्रुप के बराबर आ जाएगा, और अगर सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के बराबर आ जाए तो वो ग्रुप के बराबर हो जाता है। ये एक सब ग्रुप है, इसका ऑर्डर ग्रुप के बराबर हो गया, तो इससे प्रूफ हो गया जी इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाई एक्स, हेंस जी इज साइक्लिक। ठीक हो गया, हमने एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लिया, उसके साथ ग्रुप जनरेट कर लिया, वो जी का सब ग्रुप होगा। फिर हमने ऑर्डर की कंडीशन लगाई, ऑर्डर जो है वो पी को डिवाइड करेगा, वो या वन हो सकता है या पी हो सकता है, लेकिन एक्स क्योंकि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है इसलिए ये ऑर्डर वन नहीं हो सकता। ठीक है, हेंस ये फिर ऑर्डर पी होगा, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर भी पी है, इसका ऑर्डर भी पी है, तो ये बराबर हो गए, तो इससे प्रूफ हो गया कि जी इज साइक्लिक। नेक्स्ट जो है वो एट द एंड हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक और क्रॉलरी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फरमास लिटिल थ्योरम भी इसको कहते हैं। ये नंबर थ्योरी में भी स्टडी किया जाता है, नंबर थ्योरी में इसको इस तरह से स्टडी किया जाता है कि एक्स पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स मॉड पी।
ठीक है, और ग्रुप की लैंग्वेज में इसको इस तरह से स्टडी करेंगे कि क्योंकि हमें पता है जेड पी जो होता है ग्रुप ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो पी, तो ये ग्रुप होता है ग्रुप ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो पी। ठीक है, जेड एन जो फैमिली है ग्रुप्स की, ये एक एडिटिव अबिलियन ग्रुप होता है, बल्कि साइक्लिक ग्रुप भी होता है, और ये होता है ग्रुप ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो एन। और इसमें एन हमने ले लिया प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर कोई भी लें तो इसमें इसका फिर कोई भी एलिमेंट लें उसकी पावर पी लेने से दोबारा एक्स आंसर आ जाएगा। फर्मस लिटन थ्योरम क्या कहता है, फॉर एवरी प्राइम पी एक्स पावर पी विल बी इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड पी, जेड पी का कोई भी एलिमेंट लें तो इसकी पावर पी लेने से दोबारा एक्स ही आंसर आ जाता है। और नंबर थ्योरी के फॉर्म में इसको इस तरह लिखा होता है, इसको हम प्रूफ करेंगे। पहली केस है, फर्ज करें आपको पता है ना इसके एलिमेंट किस तरह के होते हैं जेड एन के, इसमें रेजिड्यू क्लासेस होती हैं। अगर आप स्टार्ट वाले लेक्चर देखें अपने कोर्स में तो वहां पे हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था, इसमें ये रेजिड्यू क्लासेस हैं। लेकिन इस थ्योरम में हम इसको प्राइम के लिए डिस्कस कर रहे हैं, इस थ्योरम में ये एन जो है ये प्राइम लिया हुआ है हमने पी, तो इसमें अगर कोई भी एलिमेंट हम लें तो हमने प्रूफ करना है हर एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी होगी फॉर ऑल एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक्स तो जीरो के अगर एक्स इसके बराबर होता, इसमें हम कोई एलिमेंट लेते हैं फर्ज करें, इसमें हमने जेड पी के लिए बात करनी है तो ये पी माइनस वन तक जाएगा, और एक्स अगर हम इसमें कोई एलिमेंट लेते हैं अगर तो एक्स जीरो के बराबर होगा फिर तो ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है, नजर आ रहा है जीरो पावर पी इक्वल्स टू जीरो। तो ये केस तो इजी है। अब हम सपोज करते हैं कि एक्स जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, एक्स किसी नॉन जीरो, एक्स इज नॉन जीरो, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फिर एक्स जो है वो यू पी में चला जाएगा, यानी यूनिट्स ऑफ पी, यानी इसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो एन पी के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे, और इसमें हमें पता है कि ये नॉन जीरो एलिमेंट्स का जो सेट है ये ग्रुप बनेगा अंडर मल्टीप्लीकेशन। इन जनरल आपने पढ़ा था कि जो जब आप यू एन लेते हैं, यू एन में वो एलिमेंट्स होते हैं जेड, इसमें वो एलिमेंट हम लेते हैं जेड एन के जो एन के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं, और ये मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप होता है। लेकिन जब यहाँ पे एन की जगह पे प्राइम नंबर लेंगे तो इसमें जीरो के अलावा सारे ही आ जाएंगे, ठीक है, और ये जो है ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसका ऑर्डर पी माइनस वन आ जाएगा। तो एक्स अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो एक्स फिर इस ग्रुप में चला जाएगा, और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है, तो एक्स का ऑर्डर फिर इसको डिवाइड कर देगा। इसका मतलब एक्स की पावर अगर पी माइनस वन लेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा जो कि वन के इक्वल है, और दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये बात प्रूफ हो जाती है, ठीक है, तो हम ये बात आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे लिए, एक दो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं कोसेट से रिलेटेड, क्योंकि कोसेट से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। पहली एग्जांपल में हम देखेंगे कि अगर हम ग्रुप लेते हैं सी स्टार, अगर हम ग्रुप सी स्टार लेते हैं यानी कम्प्लेक्स प्लेन अगर लें, फर्ज करें ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्लेन है और इसके अंदर ये हमने कम्प्लेक्स प्लेन ले लिया, इसमें ये रियल एक्सिस है ये इमेजिनरी एक्सिस है, और इसमें से जो है वो जीरो हमने निकाला हुआ है, ठीक है, जीरो जो है हमने वो यहाँ से निकाला हुआ, ये जीरो एक्सक्लूडेड है, मींस सॉरी इसको दोबारा ड्रा करते हैं। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये इसका इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, ये इसका ले लेते हैं रियल एक्सिस, और इसमें से जीरो हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, जीरो शामिल नहीं है, तो इसको हम नाम देंगे सी स्टार का, दिस इज आवर सी स्टार, कॉम्प्लेक्स नंबर्स माइनस ओरिजन, ओरिजन को जीरो जीरो को एक्सक्लूड किया हुआ हमने, और इसमें अगर यूनिट सर्कल ले लें यानी ऐसे इसको दोबारा ड्रा करते हैं थोड़ा और तरीके से सर्कल की फॉर्म में,
फर्ज करें, इधर ड्रा कर लेते हैं, फर्ज करें ये यूनिट सर्कल अगर हम लेते हैं, वेयर टू ड्रा, दिस इज डिफिकल्ट टू ड्रा हेयर। चलें ये हमारे पास यूनिट सर्कल है फर्ज करें, और इसमें हमने क्या किया, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, और कॉम्प्लेक्स प्लेन है, जीरो निकाला हुआ है इसमें से, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जीरो जो ओरिजिन है इसको निकाला हुआ है, तो ये हमारा यूनिट सर्कल है S1। तो हमने इसमें इस एग्जांपल में ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इसके कोसेट्स किस तरह के होंगे, ये भी तो एक, ये भी एक ग्रुप है ना अंडर मल्टीप्लीकेशन, और S1 इसका सब ग्रुप है, तो हम देखना चाह रहे हैं ज्योमेट्रिकली कि इसके कोसेट्स किस तरह के होंगे। तो एक पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फर्ज करें अगर हम ये एलिमेंट लें, इफ वी टेक 3+4 iota बिलोंग्स टू सी स्टार, अगर हम ये वाला एक वैसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं नॉन जीरो, तो हम इसका कोसेट जनरेट करके देखते हैं क्या होता है, इसको जब हम S1 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ये फर्ज करें अंदाजे के मुताबिक ये कोई ये वाला पॉइंट था कॉम्प्लेक्स प्लेन में ना, 3+4 iota, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये S1 के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इसमें आप वैल्यू पुट करें z की ना, a+b iota, इसको सिंपलीफाई करें, तो फिर इसके इसमें वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे जिनकी मॉड वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि z की मॉड वैल्यू 1 है ना, जब आप इस प्रोडक्ट की मॉड वैल्यू लेंगे तो वो क्या आ जाएगी, इसकी मॉड वैल्यू इंटू इसकी मॉड वैल्यू, तो वो फिर मॉड वैल्यू 20, z मॉड जो है वो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो पता ये चला फिर हमें कि इसमें वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे जिनकी मॉड वैल्यू 5 है, तो ये फिर सर्कल बन जाएगा रेडियस 5 का। तो फर्ज करें ये पॉइंट है, तो इसका जो कोसेट्स होगा वो भी एक सर्कल होगा जो इस पॉइंट को कंटेन करेगा। तो S1 तो ये था सर्कल ऑफ रेडियस 1, लेकिन जब भी हम कोई पॉइंट लेते हैं तो इसका हमने कोसेट ड्रा किया तो वो भी एक सर्कल बन गया रेडियस 5 का। तो हमें पता ये चला इन जनरल हम कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लें उसको S1 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमें वो जो कोसेट हमें मिलेगा वो एक सर्कल होगा जिसका रेडियस इसके बराबर होगा x² + y² का स्क्वायर रूट, जिसका रेडियस इसके बराबर होगा, दिस इज अ स्क्वायर रूट। तो ये हमें ये चीज हमने इसकी ज्योमेट्रिकली डिस्कस की है कि जो जो भी कोसेट होगा यूनिट सर्कल का वो भी एक सर्कल ही होगा। हमने क्या चीज यहाँ पे डिस्कस की है, हमने ये डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास कोई S1 ले लें, S1 इज ए ग्रुप अंडर मल्टीपल सब ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ सी स्टार, इसका कोई भी अगर आप सब ग्रुप लेंगे किसी भी फर्ज करें ये पॉइंट लेंगे तो वो भी एक सर्कल ही आएगा, अगर वो पॉइंट इधर है तो वो भी एक सर्कल ही आएगा। तो ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली आप इसको इमेजिन करने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये चल रहा है, अगर हमने ये S1 है और इसको हमने कंसिडर अगर किया है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, फिर आप कहीं भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लें इसका जो कोसेट होगा वो भी एक सर्कल आ जाएगा। फर्ज करें वो पॉइंट अगर इधर है तो वो ये सर्कल आ जाएगा, इस तरह हमें सर्कल्स मिलते जाएंगे और ये सारे सर्कल्स मिलके सी स्टार की पार्टीशन कर देंगे, क्योंकि एवरी कोसेट ऑफ S1 इज आल्सो ए सर्कल, लेकिन उसका जो रेडियस होगा वो फिर ये होगा x² + y² का स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है S1 के कोसेट्स की, के यूनिट सर्कल का जो भी कोसेट होगा वो भी एक सर्कल होगा, लेकिन उसका रेडियस किसके बराबर होगा, ये जो एलिमेंट जिसके साथ हमने कोसेट बनाया इसकी मॉड वैल्यू के बराबर, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल हमने रखी हुई है कि अगर हम जनरल लीनियर ग्रुप लें, द ग्रुप ऑफ n×n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज, और ये इसका सब ग्रुप होता है जिसमें वो मैट्रिसेस होते हैं जिनका डिटरमिनेंट 1 होता है, दिस इज ए स्पेशल लीनियर ग्रुप, ये इसका सब ग्रुप होता है, और हम इस एग्जांपल में ये इमेजिन करना चाह रहे हैं कि इसके कोसेट्स किस तरह के होंगे। तो एज एन एक्सपेरिमेंट अगर फर्ज करें मैं n2 के लिए एक मैट्रिक्स लेता हूँ gl2r में और इसके साथ कोसेट बनाता हूँ, तो ये sl2r के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा,
अब जब मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि वो प्रोडक्ट के लिए अलहदा अलहदा हो जाएगा, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा 2 × 1 यानी कि 2। तो पता चला इसमें वो मैट्रिसेस आ गए जिनका डिटरमिनेंट 2 है, ठीक है। तो इन जनरल अगर आप इसकी जगह कोई भी मैट्रिक्स फर्ज करें एक्स लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर इसमें वो मैट्रिसेस आ जाएंगे जिनका डिटरमिनेंट एक्स के डिटरमिनेंट के बराबर होगा। और इस पे अगर इस चीज को अगर आप थोड़ा सा और गौर करें, इसका मतलब है हर रियल नंबर के लिए आपको एक सेट मिल जाएगा जिसका डिटरमिनेंट उस रियल नंबर के बराबर होगा। नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए फर्ज करें ये हमारा जनरल लीनियर ग्रुप है, इसमें वो मैट्रिसेस हैं जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो फिर हर नॉन जीरो के लिए हम अलग अलग पार्ट्स बना देंगे ग्रुप के, यानी डिटरमिनेंट 1 वाले मैट्रिक्स अलहदा होंगे, 2 वाले अलहदा होंगे, 3 वाले अलहदा होंगे, 0.5 वाले अलहदा होंगे। हर हर नॉन जीरो रियल नंबर के लिए आपको एक अलहदा से पार्टीशन मिल जाएगी, अलहदा से ब्लॉक मिल जाएगा ऐसे मैट्रिसेस का जिनका डिटरमिनेंट वो रियल नंबर आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसके जो को सेट्स होंगे वो इस तरह से पार्टीशन करेंगे कि ये हमारे पास फर्ज करें जनरल लीनियर ग्रुप है, तो हम हर कोई भी अगर रियल नंबर लेते हैं आर नॉन जीरो, तो उसके लिए ये इसका स्पेशल लीनियर ग्रुप आ गया, सब ग्रुप है ये इसका, इसमें वो मैट्रिसेस हैं जिनका डिटरमिनेंट 1 है। इसी तरह हमारे पास एक ब्लॉक वो होगा जिनका डिटरमिनेंट 2 होगा, इस तरह 3 होगा। ये सिर्फ इंटीजर्स के लिए नहीं होगा, ये हर रियल नंबर के लिए आपको एक ब्लॉक मिल जाएगा। आप रियल नंबर चेंज करते जाए आपको डिफरेंट ब्लॉक्स मिलते जाएंगे जिनका डिटरमिनेंट उस रियल नंबर के बराबर होगा, नॉन जीरो रियल नंबर्स के। और आगे जाके हम ये भी स्टडी करेंगे कि ये जो को सेट्स का ग्रुप बनता है वो आर स्टार के आइसोमार्फिक होता है, यानी अगर हम इस तरह के तमाम को सेट्स इकट्ठे कर लें तो वो वाला ग्रुप इस ग्रुप के आइसोमार्फिक होता है, ठीक है। ये हम आगे जाके कहीं प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हम ये रेफरेंसेस हैं, तो यहाँ पे हम फिर क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक